जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 4, ये आपका एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 3 एंड व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 द रिमाइंडर इज माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये आपके दो अननोन यहाँ पर एक्सप्रेशन में है ए और बी, ये जो रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको यूज करके हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करते हैं जो डिवाइजर है, और उसमें से x की वैल्यू 1 हमें मिल गई। इसको अब हम लाकर एफ एक्स में पुट कर देते हैं, तो वो f ऑफ 1 बन जाएगा 6 टाइम्स 1 क्यूब प्लस a टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 माइनस 4। अच्छा, ये बात हमें यहाँ से गिवन है कि जब आप इसे f ऑफ 1 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा, तो f ऑफ 1 की जगह मैं 3 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 6 आ गया प्लस a प्लस b माइनस 4, तो आपके पास a प्लस b इज इक्वल टू 2 को वहां मूव करके 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जिसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अच्छा, सेकेंड इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है 3x प्लस 2 से जब आप fx को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस 2 होगा। अच्छा, इसको भी मैं देख लेता हूँ, अगर हम 3x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 अपॉन 3 आएगी, और इसका मतलब है कि फंक्शन में जब हम माइनस 2 अपॉन 3 पुट करेंगे तो आंसर माइनस 2 आने वाला है। तो इसी को यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सो f ऑफ माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स माइनस 2 अपॉन 3 क्यूब प्लस a टाइम्स माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 4। f ऑफ माइनस 2 अपॉन 3 की जगह हमने माइनस 2 लिख दिया, यही आंसर इसका आएगा रिमाइंडर का। इसके बाद हमने 6 टाइम्स, ये बन जाएगा 8 अपॉन 27 और नेगेटिव आंसर देगा। फिर इसके बाद प्लस a टाइम्स 4 अपॉन 9 माइनस b टाइम्स 2 अपॉन 3 और माइनस 4। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि 4 को यहाँ मूव कर देते हैं, ये 2 बन जाएगा, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास माइनस 16 अपॉन 9 प्लस 4a अपॉन 9 माइनस 2b अपॉन 3 बच गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं 9 का, तो माइनस 16 प्लस 4a माइनस 6b और यहाँ 2 लिखा हुआ, 9 को दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो 18 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 4a माइनस 6b। और सबसे पहले यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेते हैं तो माइनस 8 प्लस 2a माइनस 3b, 2 से सिंप्लीफाई होकर 9 हो गया, माइनस 8 को यहाँ मूव करते हैं तो आपके पास 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 17, ये आपकी इस जगह पर सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो एक इक्वेशन आपके पास ऊपर थी a प्लस b इज इक्वल टू 1, इसमें से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो वो 1 माइनस b बन जाएगी, उस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 2 टाइम्स 1 माइनस b माइनस 3b इज इक्वल टू 17, 2 माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू 17, तो 2 माइनस 17 इज इक्वल टू 5b, तो माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास b की वैल्यू माइनस 3 बन गई। अच्छा, इसी को हम a इज इक्वल टू 1 माइनस b में पुट कर देते हैं तो आपके पास 1 प्लस 3 और इस तरह से a की वैल्यू आपको 4 मिल गई। तो बस ये तरीका जिससे आपने दो अननोन a और b को फाइंड कर लिया, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज किया वो रिमाइंडर थ्योरम वाला था कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही आता है जो उस डिवाइजर में से x की वैल्यू निकाल के आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करें, तो जो आंसर आएगा वही उस डिवीजन का रिमाइंडर भी आएगा, इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और अब इसी कॉन्सेप्ट से पूरी एक्सरसाइज 1 है वो सॉल्व की जा सकती है। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.